थैंक यू जनाब स्पीकर। आज हाउस के सामने जो करारदाद टेबल हुई है, यकीनन जनाब स्पीकर, अगर हम बरेसगीर के तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो यकीनन जनाब स्पीकर, तो यकीनन ये तमाम जितने भी इस खित्ते में जो तनाज़ात है जनाब स्पीकर, ये तमाम तनाज़ात उस अंग्रेज़ की वजह से हुआ जिन्होंने इस बरेसगीर पर, इसके मुख्तलिफ इलाकों पर उन्होंने कब्ज़ा किया। जनाब स्पीकर, यकीनन कश्मीरी आवाम अपने हकीकी हक के खुद इरादियत के मो मुस्तहिक है और हम जैसे लोग, हम जैसी पार्टियां, हमारी जैसी लीडरशिप ने हमेशा कौमों के हक के खुद इरादियत की ना सिर्फ हमने हिमायत की है बल्कि जनाब स्पीकर हमने इसके लिए जद्दोजहद की है। जनाब स्पीकर, यकीनन जिस तरह मैंने कहा कि ये तनाज़ा कश्मीर का भी उस अंग्रेज इस्तेमार की वजह से हुआ और अंग्रेज ने न सिर्फ मुख्तलिफ इलाकों को उन्होंने तकसीम किया और इस अंग्रेज के खिलाफ हमारे रहनुमाओं ने, जनाब स्पीकर, हमारे असलाफ ने, सबसे बढ़कर खान अब्दुल समद खान अचकज़ई शहीद ने उस अंग्रेज इस्तेमार के खिलाफ जद्दोजहद की और उसको इस बात पे मजबूर किया कि वो इस खित्ते को छोड़ दे और उसके बाद यहाँ के करोड़ों आवाम और अक्वाम को अंग्रेज से आज़ादी मिली। आज जनाब स्पीकर अफसोस का मकाम है कि आज जिन लोगों ने अंग्रेज के खिलाफ जद्दोजहद की, जिन्होंने अंग्रेज के काल कोठियों में शब रोज गुजारे, आज वो इस मुल्क के हमारे हुक्मरानों की नजर में वो गद्दार है और जो अंग्रेज के एजेंट थे, जिन्होंने अंग्रेज के बूट पॉलिश के, जिनके आबाओ अजदाद ने, वो आज इस मुल्क के वफादार है। ये है पैमाना। जनाब स्पीकर, जिस तरह अंग्रेज ने ये सब कुछ किया, आज जनाब स्पीकर इस अंग्रेजी इस्तेमार ने पश्तूनख्वा वतन को भी चार हिस्सों में तकसीम किया। आज भी पश्तून अवाम एक मुत्तहिदा कौमी वहदत से आज भी पश्तून अवाम महरूम है। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, कश्मीरी अवाम यकीनन इंडिया ने जब 5 अगस्त 2019 को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 35 ए और आर्टिकल 370 में बुनियादी तब्दीली की और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग हैसियत थी उसको ख़त्म किया, हमने उस दिन भी इसकी मुखालिफत की थी। आज भी हम कह रहे हैं कि कश्मीरी आवाम पर गुज़श्ता 70 सालों में जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, जो वहाँ पर जुल्म व बर्बरियत जारी है, हम उसके खिलाफ है। हमारा पार्टी का शुरू से ये मुतालिबा रहा है कि हम उस हकीकी आज़ाद और हक के खुदरादियत पर मबनी उस कश्मीरी, उस कश्मीर की आज़ादी के हम तरफदार हैं। हम कश्मीरी आवाम को किसी के लिए सैंडविच नहीं बनाएंगे। कश्मीर को यकीनन हक के खुद इरादियत मिलनी चाहिए जनाब स्पीकर, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे हुक्मरानों ने कभी भी हकीकी तौर पर कश्मीरी आवाम का साथ नहीं दिया है। उन्होंने श्रीनगर को, जनाब स्पीकर, हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने श्रीनगर को खो दिया है। जनाब स्पीकर, हमारे हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ सियासत की सियासत कर रहे हैं कश्मीरी आवाम के साथ।
उनके हकीकी आजादी के लिए आज तक उन्होंने कोई अल्फाज अदा नहीं किए हैं। मैं यकीनन जिस तरह यहां पर दोस्तों ने कहा कि यूनाइटेड नेशन में यह मसला उठा, शिमला मुआहदे में हुआ, और उस बजाय इसके कि वो दो ममालिक इस मसले के लिए वो जंग करे, जंग की तबाहली हमने देख लिए। अगर जंग की तबाहली किसी से पूछना है जनाब स्पीकर, तो पश्तून अफगान आवाम से पूछी जाए कि गुज़श्ता 40 साल में जिस तरह हमारी सरजमीन को यहाँ जहन्नम बना दिया गया है, लिहाजा जंग और जदल से हमारे हुक्मरानों को दूर रहना चाहिए और कश्मीरी आवाम के हकीकी आज़ादी के लिए उन्हें इकदामात उठाने चाहिए। ड्रामाबाजी जनाब स्पीकर, हमारे हुक्मरान ड्रामाबाजी को छोड़ दे। सब ने देखा कि गुज़श्ता एक साल में वहाँ पे लॉकडाउन था, वहाँ मुआसरे में थे कश्मीर आवाम, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने उनके लिए हकीकी तौर पे कुछ नहीं किया। थैंक यू जनाब स्पीकर। शुक्रिया नसरुल्लाह खान ज़ेर साहब।